हैदराबाद के राजेंद्र नगर में तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय में खाली पदों को लेकर मांग प्रबल हुई, मगर पुलिस कर्मियों ने छात्रों द्वारा उठाए गए अनिश्चित भूख हड़ताल को नाकाम कर दिया। विभाग में खाली पदों के लगभग 400 पदों के साथ नौकरियों की मांग पर पिछले 28 दिनों से हड़ताल चल रही है और छात्रों ने कहा कि सरकार भर्ती में देरी कर रही है। पुलिस ने स्ट्राइक रोकने के लिए छात्रों को धमकी दी और यहां तक कि छात्रावास के छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस बीच तेलंगाना के टीडीपी नेता रेवंत रेड्डी ने राजेंद्र नगर में बागवानी छात्रों के लिए उनके समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने विश्वविद्यालय का दौरा किया और छात्रों के साथ एक विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि जब पुलिस ने रेवंत रेड्डी और उनके अनुयायियों को साथ भी धक्का मुक्की की है, तब तनाव बढ़ गया, जिन्होंने उन्हें विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की।